दोस्तों ये है होंडा यूनिकॉर्न 160 BS6 2020 यानी कि 2020 मॉडल, और ये BS6 अपडेट के साथ है। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है ब्लैक कलर। तो जैसा कि हम वादे के मुताबिक आपसे बोलते हैं कि जिस भी बाइक का हम रिव्यू करते हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा कलर आपको दिखाते हैं, ताकि आप जो है घर बैठे डिसाइड कर पाओ अपनी फेवरेट बाइक और फेवरेट कलर। तो इसके पहले मैंने इसका ग्रे मेटेलिक कलर का रिव्यू किया था, जिस पे आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो अगर आपको ग्रे मेटेलिक कलर की जो है यूनिकॉर्न 160 देखनी है तो इस वीडियो को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, इसे पूरा लास्ट तक देख लीजिए, फिर आप डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन को चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियो को लिंक मिल जाएगी। और कमेंट में फिर ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा कलर बेहतर लगा। अभी इसका एक कलर और है जो कि रेड के नाम से है, उसका भी हम बहुत जल्दी रिव्यू करेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे ब्लैक यूनिकॉर्न 160 के बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि BS6 अपडेट के बाद कंपनी इसका प्राइस क्या रखी है, आपको ये ऑन रोड यानी कंप्लीट बाइक का प्राइस आपको कितने में देखने को मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, गौर से सुनिएगा कि लगभग 94,761 रुपीज़ यानी कि 94,761 रुपये इसकी एक्सोरूम प्राइस है प्रयागराज UP इंडिया में। और कंप्लीट यूनिकॉर्न 160 आपको मतलब ऑन रोड इंश्योरेंस कागज वगैरह कंप्लीट करने के बाद ये लगभग आपको 1,14,000 से 1,18,000 यानी कि 1,14,000 टू 1,18,000 में आपको ये कंप्लीट बाइक देखने को मिल जाएगी। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन इसीलिए मैंने बजट के अकॉर्डिंग आपको बताया ताकि आप अपना एक बजट भी सेट कर पाएँ 1,14,000 से 1,18,000 के बीच में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ इस डिस्क की तो लगभग 240 यानी कि 240 mm का डिस्क है। और यहाँ पे देखिए ABS की चैन भी आपको मिल जाएगी, तो इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है, इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा, जो कि आपको फ्रंट डिस्क में ही देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ आपको डिस्क नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं अगर बात करूँ यहाँ पे फ्रंट टायर की, तो ये लगभग आपको 80/100 यानी 80/100 का फ्रंट टायर देखने को मिलेगा, और ये 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है। इसमें आगे और पीछे दोनों 18 इंच के टायर मिलेंगे, दोनों के साइज में थोड़ा बहुत चेंज आपको मिलेगा, लेकिन दोनों 18 इंच के टायर हैं और दोनों ही ट्यूबलेस टायर हैं। ABS की बैचिंग मिल जाती है। अगर यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो ये आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। तो फ्रंट सस्पेंशन की बात भी मैंने बता दी। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके मेन हेडलैम्प की। तो यहाँ पे देखिए आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, LED जैसा कुछ सपोर्ट नहीं है बट नो डाउट यहाँ पे हैलोजन बल्ब है, और साइड इंडिकेटर्स में 10 वाट यानी 10 वाट के बल्ब लगे हुए हैं। मेन हेडलैम्प के ऊपर आपको जो वाइजर साइड जो है आपको क्रोम का काफ़ी जो है बढ़िया फिनिश देखने को मिलेगा। क्रोम डिज़ाइन करी गई है यहाँ पे, तो जो कि इस पूरे ही बाइक के प्रीमियम इसको काफ़ी जो है बढ़ाती है। और फ्रंट से लुक इस बाइक का काफ़ी पसंद आता है, डेली कम्यूटर में भी ये बाइक बहुत इस्तेमाल की जाती है, और 160 cc सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट बाइकों में से एक है। और इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि इसमें सीटिंग कम्फर्ट भी आपको अच्छी मिल जाती है, माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंडल बार पर आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और आपको हॉर्न जो है मिल जाएगा। मीटर कंसोल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए आपको डिजिटल जैसा कुछ भी सेटअप नहीं है, सब कुछ आपको एनालॉग मिलेगा। मीटर कंसोल 3 पार्टीशन में डिवाइडेड है, जिसमें एक तरफ जो है आपको जो है RPM मीटर मिलेगा, दूसरी तरफ बीच में आपको जो है स्पीडो मीटर देखने को मिल जाएगा, और राइट साइड आपको जो है फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको ट्रिप मीटर भी मिलता है, तो आप अपने ट्रिप को भी सेट कर पाएंगे। लेकिन ये है कि इसमें कुछ भी डिजिटल नहीं है, सब कुछ एनालॉग है। और नई चीज़ की मैं बात करूँ तो इसमें आपको इंजन मॉल फंक्शन लाइट ऐड कर दी गई है, जो कि अगर आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंजन मॉल फंक्शन लाइट ब्लिंक करती है और हमें पता चल जाता है। तो ये बात मीटर कंसोल की हो गई। अब यहाँ पर राइट हैंडल बार पे देखिए कि यहाँ पे आपको इंजन की स्विच मिलेगा, और उसके नीचे आपको पावर स्टार्ट स्विच यानी सेल्फ स्विच देखने को मिल जाएगा। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे फ्यूल टैंक पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, तो जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है लगभग 13 लीटर की है, आप इसमें 13 लीटर तक फ्यूल जो है भरवा सकते हैं। तो लगभग 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादातर बाइक्स में देखने को मिलती है, इसमें आपको 13 लीटर की मिलेगी। यहाँ पर होंडा की जो है आपको 3D एम्बर लोगो जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। साइड पैनल पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी।
यहाँ पे थोड़ी सी बात अब इंजन की कर लेते हैं। तो गौर से देखिए, ये है इसका इंजन जिसमें आपको 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। लगभग 162.7 सीसी का इंजन इसमें लगा हुआ है। जो मैक्स पावर मिलेगी वो लगभग 9.5 किलोवाट की मिलेगी। अगर हम इसे पीएस में कन्वर्ट करें तो लगभग 12.74 यानी 12.74 पीएस की मैक्स पावर मिलेगी हमें 7500 आरपीएम पे, और लगभग 14 यानी 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा 5500 आरपीएम पे। और ये देखिए, ये है कैटलिटिक कन्वर्टर। इससे आप पहचान कर पाएंगे कि आपकी ये BS6 बाइक है। और इस कैटलिटिक कन्वर्टर का मेन काम यही होता है कि ये एक तरीके के फिल्टर का काम करता है। जो NOx गैस होती है, जो पेट्रोल जलने के बाद गैस निकलती है, उसे जो है फिल्टर का काम जो है कैटलिटिक कन्वर्टर के थ्रू किया जाता है। तो ये बातें हो गई इसकी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके पीछे रियर सस्पेंशन की। और रियर सस्पेंशन में मैं आपको बताऊं तो इसमें मोनो सस्पेंशन दिया गया है। और ये पहली ऐसी बाइक है इंडिया की, जब ये लॉन्च करी गई थी तभी से इसमें जो है मोनो सस्पेंशन को जो है दिया गया है। तो मतलब ये काफ़ी सही चीज़ है। ये जो एक्सपीरियंस है मोनो सस्पेंशन का, जिनके पास यूनिकॉर्न 160 पहले से रही होगी उनको बखूबी पता होगा। तो अभी जितनी भी बाइक्स आ रही हैं 160 150 सीसी सेगमेंट में, सभी में मोनो सस्पेंशन को ही दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको इसमें पहले से मिलती थी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। पीछे वाले टायर की मैं बात करूं तो ये लगभग जो है आपको 100x90 का मिलेगा। आगे वाला टायर 80x100 का था और पीछे वाला टायर 100x90 का है। और दोनों ही 18 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं। ये बातें हो गई। अब पीछे आपको डिस्क नहीं मिलता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगा, जिसकी साइज 130 यानी कि 130mm की रखी गई है। तो इसमें आपको ABS सिंगल चैनल ही मिलेगा, इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा। यहाँ पे रियर प्रोफाइल आप देखिए, आपको जो टेल लाइट है यहाँ पे देखिए, काफ़ी अग्रेसिव टेल लाइट आपको देखने को मिलती है। तो नो डाउट अच्छा लगता है देखने में। और अगर मैं पीछे बात करूं इसके पीछे वाली पूरी प्रोफाइल की, तो बहुत से लोगों को ये डिज़ाइन पीछे से इसका लुक पसंद आता है और बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता है। तो ये सवाल मेरा आपसे भी है, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है पीछे से इसका लुक कैसा देखने में लगता है। आगे से नो डाउट मुझे भी ये पसंद आती है बाइक। यहाँ पे आपको यूनिकॉर्न की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पे पूरा यूनिकॉर्न आपको जो है सिल्वर कोटेड देखने को मिलेगा। ये स्टिकरिंग करी गई है, ये 3D एमल्ड लोगो नहीं है। 3D एमल्ड में सिर्फ आपको होंडा जो है फ्रंट जो है आपको साइड पे देखने को मिलेगा फ्यूल टैंक पे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा डायमेंशन के बारे में। तो जो इस बाइक की लेंथ है वो 2081mm है। व्हील बेस इसका 1335mm है। इसकी हाइट है 1183mm की। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काबिले तारीफ है, वो है 187mm यानी 187mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इंडियन रोड्स का मतलब कि आप इससे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर पाएंगे। इसका जो कर्व वेट निकल के आता है वो 140kg आता है। फ्यूल फिलिंग के बाद जो है इसका वेट लगभग जो है बढ़ जाएगा, इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा। सीट हाइट इसकी 798mm है। तो लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप अपना हर एक एंगल से अपना सीटिंग कंफर्ट को चेक कर पाएं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी इसके बारे में। तो अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर हमारी इंस्टाग्राम ID DavidRahulJR पे हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं लूडूं कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।